नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और न्यूज लाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने बाकायदा उनसे पूछा कि आखिरकार कैसी आजादी उन्हें चाहिए, किस तरीके की नारेबाजी हो रही थी। तो कन्हैया ने कहा कि छात्र संघ चुनाव में उन्होंने एबीवीपी को शिकस्त दी थी, इस वजह से उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। दरअसल संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी पर जेएनयू में नारेबाजी हुई थी, जिसके बारे में कहा गया कि ये नारेबाजी पूरी तरह से देश विरोधी थी। और फिर क्या था, दिल्ली पुलिस हरकत में आई और उसने कन्हैया कुमार को फौरन गिरफ्तार कर लिया। वैसे देश विरोधी नारेबाजी के एक और मामले में डीयू के प्रोफेसर जावेद अली से भी दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, बातें बढ़ती चली गई और इसी के साथ बढ़ गया विवाद भी। आखिरकार ये मसला है क्या, ऐसा विरोधाभास क्यों है चीजों में, इस तरीके की नारेबाजी क्यों हुई और इसका क्या उद्देश्य या क्या मतलब निकाला जाए, इसी को लेकर बात होगी आज न्यूज लाइन में। संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर जेएनयू में लगे नारे पर दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वैसे कन्हैया की कोर्ट में पेशी भी हुई। कन्हैया की गिरफ्तारी को लेकर वाम दलों के नेताओं ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की, तो वहीं केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर किसी भी तरीके की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी ऐसी गतिविधि जो देश के विरोध में है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी मसले पर होगी न्यूज लाइन में चर्चा, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी और संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी मनाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद कन्हैया को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने कन्हैया से पूछा कि उन्हें कैसी आजादी चाहिए। कोर्ट में कन्हैया ने दलील पेश करते हुए कहा कि छात्र संघ के चुनाव में उन्होंने एबीवीपी को हराया था, इसलिए उन्हें फंसाया गया है। वहीं दूसरी तरफ जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने छात्र संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी का विरोध किया है। उधर इसी मामले पर राजपथ पर प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कन्हैया की गिरफ्तारी को लेकर वाम नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की है। वाम नेता डी राजा से लेकर सीताराम येचुरी सभी ने गिरफ्तारी की आलोचना की है। इसके अलावा प्रेस क्लब में देश विरोधी नारेबाजी मामले में भी डीयू के प्रोफेसर जावेद अली से पूछताछ की गई है। संसद मार्ग थाने में पुलिस ने अली से पूछताछ की। इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश में रहकर राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वालों को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। बताते चलें कि इसी मुद्दे पर दिल्ली से बीजेपी सांसद महेश गिरी ने देशद्रोह का केस दर्ज कराया है। महेश गिरी ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वो जेएनयू के कुलपति को कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दें। तो वहीं स्मृति ईरानी ने भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जेएनयू से उठा ये मुद्दा कौन सा रुख अख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। देश के एक बेहद ही प्रतिष्ठित संस्थान में इस तरीके की नारेबाजी होती है, उसके बाद बहुत सा विरोध होता है, विवाद होता है और ये विवाद और फिर उस पर राजनीतिकरण भी चीजों का होता है। आखिरकार मसला है क्या और इसी मसले के बीच की जो पसोपेश है उसको खंगालने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। यासिर जिलानी साहब है हमारे साथ, अध्यक्ष है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। जिलानी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ इलियास मलिक जी हैं जो कि वाइस चेयरमैन है पीपल अवेयरनेस फोरम के। बहुत कुछ काम उन्होंने ऐसे मसलों पर किया है, उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्यों इस तरीके की चीजें होती हैं और क्या सोल्यूशन हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत मलिक साहब आपका भी। हमारे साथ यूसुफ अंसारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अंसारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ इरफान रसूल हमारे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। इरफान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुझे लगता है सबसे पहले बात इरफान जी हमें आपके साथ ही शुरू करनी चाहिए। जो ये मसला हुआ, ये चीजें हुई, इस पर आपका क्या रुख है और क्या आपको लगता है क्यों इस तरीके की चीजें बार बार हो रही है, खास करके जेएनयू इसका सेंटर बन जाता है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, ये वक्त खुद ही बताएगा कि गद्दार कौन है।
वंदना, सवाल ये है कि कैसी आजादी और कैसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हैरत में डाल देने वाला कि अपने देश में देश विरोधी नारे लगाए जाएं। कोई एहतजाज करना है, कोई अगर कंट्रोवर्सी है, कोई सवाल है, तो उसके दूसरे लोकतांत्रिक तरीके भी इस देश में मौजूद हैं। सवाल यह है, जिस तरह से यासर जिलानी साहब, आप बताइए, आपकी सरकार है, आप MRM के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आखिर ये क्यों हुआ? क्या कंट्रोल, ऐसा कोई माहौल, ऐसे कोई हालात अगर हैं तो पहले से पता होता है, प्रेस क्लब बुक किया जाता है, उसमें इस तरह की हरकत की जाती है, क्यों इतने अनअवेयर और इतने अनजान हैं आप कि आपको ये पता नहीं कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? नहीं, आप बिल्कुल, आपके जो सवाल हैं उसका जवाब मैं बहुत ही इत्मीनान से दूंगा, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि जो JNU का इतिहास रहा है अभी कुछ दिनों में, आप देखें, इससे पहले भी इन्होंने कंट्रोवर्शियल एक ड्रामा किया था, उसके बाद आपको लगता है कि वो इदारा जहां से हम लोग हमेशा देखते थे, या हम भी जब हमारी जो स्टडी का दौर था, हम पढ़ रहे थे, उस वक्त हम सोचते थे यार JNU में एडमिशन होगा तो वहां से शायद हम सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, हम IAS बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे। सडनली वामपंथियों का वहां इतना जबरदस्त बोलबाला हुआ और उनकी सोच इतनी खतरनाक है जो देश विरोधी सोच शुरू से रही, लेकिन अब वो धीरे धीरे सामने आ रही। आप उसका प्रेसिडेंट आज गिरफ्तार हुआ है, आप उसकी वीडियो जो पूरे चैनल हमारे जितने भी मीडिया हैं उसमें दिखाया जा रहा है, पिछले दो दिनों से जब से ये ड्रामा उन लोगों ने किया है, कहीं से लगता है वो कि सभ्य हिंदुस्तान के वो नागरिक, आप हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, ये कैसे लोग हैं ये कंट्रोल, ये किस तरह का आप लेते हैं तो ये कंट्रोल क्यों नहीं कर सके वक्त पे, क्योंकि वो चीज हो चुकी है। नहीं, बट वो दुनिया में बदनामी हो चुकी है हमारी, आपकी सरकार पहले कदम उठा सकती थी। नहीं, कैसे उठा सकती, सडनली वो आते हैं, हमने उनको, आपने कहा इससे पहले भी इतिहास रहा, देखिए पहले भी इतिहास रहा, आपने कहा इतिहास रहा है उस वक्त जब UPA की सरकार थी वहां पे, अभी जब हमने कंट्रोल करा है और हम लोगों ने वहां पे अपनी नजर बनाई। एक सवाल मैंने पहले भी किया है कि सरकारों में न बटें, ये देश हित का सवाल है, नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, ये देश के संविधान का सवाल है। कांग्रेस की सरकार थी तो ये इसमें न बटे। 8 किलोमीटर दूर पे एक ऐसा कैंपस है जहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। अफसोसनाक, अफसोसनाक है आपकी सरकार में। नहीं नहीं, ये हमारी सरकार का इससे क्या लेना, हमने उनको अलाउ नहीं किया, अलाउ नहीं होने के बाद भी उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा और उसके बाद इस तरह की बात वो समाज को दे रहे, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? कार्रवाई का बहाना करेंगे। यूसुफ सब स्टूडेंट शुरू कर दिए, यूसुफ सब स्टूडेंट रहे, कैसा लगता है हमारी सरकार, कैसी आजादी है, किस चीज की मांग कर रहे हैं, और संविधान पर सीधा सीधा हमला, देश के संविधान का सवाल है, ना कांग्रेस ना भाजपा की सरकार का सवाल है। इसलिए तो आप लोग तो टालेंगे कि उनकी सरकार मेरी सरकार, लेकिन संविधान पर हमला सीधा सीधा, ये कैसी राय और कैसी आजादी है? नहीं, इरफान भाई, जो आपने बात कही कि संविधान पर हमला है और देश विरोधी नारे लगाना, ये अच्छी बात नहीं है, और जो लोग इसके दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके ऊपर बाकायदा केस चलना चाहिए। जहाँ तक बात सरकार की जिम्मेदारी से है, तो यासिर साहब, आपकी सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। पिछली UPA सरकार निकम्मी थी, जनता ने उसे उखाड़ फेंका, लेकिन आपकी तो मजबूत सरकार है, पिछली सरकार के तो कमज़ोर प्रधानमंत्री थे, शायद रिपोर्ट भी जनपद में आती थी, आप लोग ऐसा आरोप लगाते रहे, लेकिन आपकी सरकार के जो प्रधानमंत्री है, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, वो तो माशाल्लाह बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री को एक दिन पहले उनकी खुफिया रिपोर्ट नहीं मिल पाती है कि क्या होने वाला है। यूसुफ भाई, आप बताइए कि एक कैंपस में 20 आदमी खड़े होकर सडनली नारा लगाएगा देश के खिलाफ, सडनली नहीं होता, देश विरोधी होता, देश विरोधी काम करेंगे तो कैसे प्रधानमंत्री को छोटी सी बात पता चल जाएगी? क्या बात है? नहीं, प्रधानमंत्री बहुत ही सीनियर साहब, प्रधानमंत्री को तो छोटी बात पता चल जाएगी। आपने हमारी इंटेलिजेंस साहब काम किया, आपने सवाल है, आप जवाब दे उसका, हमने आप जवाब दे उसका, हमने 10 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया सबको, और हम उनके खिलाफ देश विरोधी जो ठीक है जो लोग हैं उनके खिलाफ हम सख्त ठीक है, ठीक है कि 120B 124A उनके ऊपर लागू करके उन्हें जेल भेजा जाए, नहीं, और कम से कम उन्हें ऐसी सजा दी जाए कि आने वाली जो वहां के और भी छात्र यूनियन जो वहां पे इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं, जो देश विरोधी नारा लगाते हैं, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने की, बहुत सही बात आपने की। वक्त रहते कंट्रोल इरफान का ये सवाल, मेरे ख्याल में हमें बहस को आगे बढ़ाना चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या इस पूरे घटना के बहाने एक यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं किया जा रहा है?
नहीं नहीं हम यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं, जेएनयू के हम साथ हैं हमारी सरकार, लेकिन वहां पे जो लोग बीजेपी और आरएसएस के नेताओं का जो बयान आ रहे हैं, आप खुद ये बात कर रहे हैं, जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, हम नहीं नहीं आप पूरी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कीजिए, हमारी पार्टी ने कहीं नहीं कहा है, बोल रहे थे मैं विश्वास नहीं होगा आपको, किसी नेता का आप बयान बता दो जो ये कहता हो कि वो जेएनयू के खिलाफ है, वो वहां के जो देश विरोधी लोग हैं, जो देश विरोधी लड़के वहां पे वामपंथी सोच के हैं, हम उनके वामपंथी सोच तो देश विरोधी के साथ अलग है, देश विरोधी सोच अलग है, या सर अपनी नियत को साफ कीजिए, नहीं उन्होंने ही माहौल खराब किया, देश विरोधी कैसे कह देंगे रसूल साहब, उन्होंने माहौल अलग अलग चीजें अलग अलग चीजें, एक अफजल मरा है हम 10 अफजल लाएंगे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ की एक भी अफजल हमारे नहीं देंगे, सवाल ये है आपका सवाल है वो इस तरह के क्वेश्चन उठा रहे हैं, हमारी अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, अखंडता को बिल्कुल सही बात है करना चाहते हैं, बिल्कुल भारत की एकता, देश की देश कि आप लोग भी सपोर्ट करें हमारे देश की एकता और देश की अखंडता के साथ कहीं कोई समझौता नहीं हो सकता और ना होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि आपकी जो जो सरकार की जो अप्रोच है वो सिलेक्टिव अप्रोच है और वो सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए, अफजल गुरु को देश की सबसे बड़ी अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी और फांसी की सजा सुनाते वक्त क्या कहा था ये भी आपको पता होगा, बहरहाल उसको फांसी दी गई, इरफान बात कहने दीजिए, अफजल गुरु के फांसी की बरसी पे उसके समर्थन में नारे लगा रहा है, निहायत ही गलत बात है, इसका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता और ना किया जाना चाहिए, और जो लोग ऐसा करते हैं उसके उनके खिलाफ जो कानून कहता है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की बात देखिए, बहस को मत लीजिए, नहीं यासिर आप कहां लेके जा रहे हैं बहस को, अभी हम जेएनयू का लेके जाएंगे, जेएनयू जो सबसे बड़ा मुद्दा है, देश का मुद्दा है, देश मुद्दा देश है, देशद्रोह की बात चल रही है, तो क्या नाथूराम गोडसे का मंदिर है, देशद्रोह की बात, क्या देश द्रोही, नाथूराम गोडसे का मंदिर बना रहा देशद्रोह ही है, देशद्रोही अगर वहां से बैठे हो, महात्मा गांधी की शहादत के दिन रिएक्शन में हिंदू संगठनों ने शौर्य दिवस मनाया, क्या वो देशद्रोह नहीं है, आपके खिलाफ ये सोशल मीडिया पर फैलाई, सोशल मीडिया नहीं है, मीडिया की रिपोर्ट है, सर कोई सोच नहीं है, आप पहले मैं भी ब्रादर्स चैनल देश की बात कीजिए, आप मुद्दे की बात, देश के मुद्दे की बात, देश के मामले में अखंडता के नहीं आप बात करें, इलियास मलिक साहब क्या नाथूराम से अफजल गुरु से कम करवाइए, इलियास मलिक साहब एक सेकंड, इलियास मलिक साहब आप जामिया के प्रेसिडेंट और जिस माफ कीजिएगा जिस संगठन से आप जुड़े हुए हैं उस संगठन हम हिंदुस्तान के नागरिक आपने जितने किसी की देश व्यक्ति इस बीच हमारे साथ सीपीएम के बहुत ही वरिष्ठ नेता सुनीत चोपड़ा जी जुड़ रहे हैं, चोपड़ा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल वन न्यूज पर, नमस्कार जी, सुनीत चोपड़ा जी जेएनयू में इन दिनों बहुत सी गतिविधियां हुई हैं जिनको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, गिरफ्तारी भी हो रही है और कहा जा रहा है कि देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र जेएनयू बनता जा रहा है, आपकी जी कि जेएनयू के प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन जी जो अखिल भारतीय स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर हैं जी और उस संगठन के मेंबर हैं जो 1936 में पंडित नेहरू और जिन्ना दोनों मिलके उनकी पहली कॉन्फ्रेंस में लखनऊ आए थे जी, वो संगठन को राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं वो लोग जो गोडसे की किताबें बेच रहे हैं, कौन इसको मानेगा, हिंदुस्तान का बुद्धू से बुद्धू आदमी भी जानता है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी और बुद्धू से बुद्धू आदमी भी जानता है कि AISS क्या चीज है, सुनीत चोपड़ा जी आप इस तरह की बात कर रहे हैं, सुनीत चोपड़ा जी आपके जो बच्चे वहाँ पे विरोधी नारे लगाते हैं और आपको खुशी होती है, चोपड़ा जी एक सीधा सवाल, उनकी गिरफ्तारी तो हुई है, सीधा सवाल जी बिल्कुल, चोपड़ा जी आपकी पार्टी में बड़े नेता पकड़े जाते हैं, एक सेकंड सुनीत चोपड़ा जी, हेलो सुनीत चोपड़ा जी आवाज आ रही है, हेलो सुनीत चोपड़ा जी, इरफान रसूल बोल रहा हूँ, सुनीत चोपड़ा जी, हेलो सुनीत चोपड़ा जी आवाज आ रही है, आ रही है जी, ये देश विरोधी नारे ये कैसी आजादी है, इसको सही ठहरा रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं कि
अगर आप परसों जो स्टेटमेंट जस्टिस ए पी शाह जो हाई कोर्ट जज थे चीफ जस्टिस थे दिल्ली के, उनकी स्टेटमेंट आई है कि अफजल गुरु की हत्या जो है जुडिशियल हत्या है, तो मेरा ये कहना है इन चीजों में हमें ठंडे रहना चाहिए, अकल से हमें अपना आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्र विरोधी नारों के लिए कोई भी नहीं है इस देश में, तो आप इस देश में राष्ट्र की लड़ाई लड़ी गई है और ये नारों की जो परिस्थिति है ये यूनिवर्सिटी में पैदा की गई है, ये हालात पैदा करने के लिए, और ये हालात हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की जनता जानती है आजादी की लड़ाई क्या थी, कौन उसमें लड़ा था और क्या उनको मिला। सुनील चोपड़ा जी, जो हुआ जेएनयू में उसको कैसे देखते हैं, उसको कंडम करते हैं आप? मैंने जेएनयू में देखा, मैं कंडेम करता हूं जो जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन को प्रेसिडेंट को किडनैप किया है, जो हुआ जो नारे लगाए गए थे विरोधी, उसको कैसे देखते हैं? उसके साथ साथ आई कंडेम दी वे इन विच दी पुलिस एक्टेड एंड देयर इज नो रीजन टू डू दैट। अ यूनिवर्सिटी is not a government department where you can talk about sedition, ye wo. Sunil Chopra ji, aapki nazar mein iska matlab sir, please. Fault of the central government and the university. Theek hai, it's your vision, it's your way to see the change. My vision, fine. It's your vision, yes. I'll keep my vision. Nahi, I was in JNU when the emergency. That is okay. Today the situation is very, very different. And it was it then. And we can fight. सुनील चोपड़ा जी, प्लीज आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अफजल गुरु आतंकी था या नहीं था, आप सिर्फ ये बताएं। जी, अफजल गुरु आतंकी था या नहीं था? कौन आतंकी था? अफजल गुरु आतंकी था या नहीं था? आप मुझसे मत पूछिए। आप फेवर ले रहे हैं। ठीक है यासिर जी, एक सेकंड पूछ लेते हैं। यासिर जी पूछ लेते हैं, इतना भारी जज नहीं हूँ। नहीं, सुनील चोपड़ा जी, आप सीपीएम के बहुत वरिष्ठ लीडर के, बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं। प्रज्ञा ठाकुर आतंकवादी है कि नहीं, ये बताइए आप। यूसुफ अंसारी किस एंगल पे बात कर रहे हैं हम लोग? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, अफजल गुरु मैं ये कह रही हूँ, सुनील चोपड़ा जी से पहले पूछ लेते हैं। ठीक है, आप लोगों से बात होगी, पहले सुनील जी से पूछ लेते हैं सवाल। सुनील चोपड़ा जी, जो जेएनयू में हुआ देश विरोधी नारे लगाए गए उसको कंडम क्यों नहीं करते आप लोग? आप दूसरी बातें दे रहे, टॉपिक से हट रहे हैं आप। सुनील चोपड़ा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, फोन उन्होंने डिस्कनेक्ट किया या कटा के, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इलियास मलिक साहब जी, ये जो बहस आपस में हम लोग कर रहे हैं, इससे शायद आज हम कोई मैसेज नहीं दे पाएंगे। आज ये डिस्कशन जो है वो इस बात का भी है कि हम जो है वो नौजवानों को खासतौर से एक मैसेज दें, और वो ये मैसेज ये दें कि ये मुल्क जो है, ये मुल्क बहुत बड़ा है, और ये मुल्क ये पार्टी और सारी चीज़ों से ऊपर है, सारी चीज़ों से बड़ा है। देखिए, जब मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे, इस बात को समझने की ज़रूरत है। जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, और उसको अगर कोई जस्टिफाई करता है वो करता रहे, हकीकत जो है वो कभी छुप नहीं सकती, ये बात समझ लीजिए आप। लेकिन अगर हम यहाँ अपना वक्त जो हमें मिला हुआ है उसको बहस में गुजार देंगे, तो शायद आज का ये डिस्कशन जो रखा गया है यहाँ चैनल वन ने रखा है, इसमें हम वो मैसेज देने से कामयाब नहीं होंगे। आज ज़रूरत इस बात की है कि ये मैसेज दिया जाए कि जो मुल्क है हमारा, वो तो वैसे ही आतंकवाद से जूझ रहा है, और उसमें अगर कोई इस तरह की बात होती है तो ये तो बहुत ही गलत है और ख़तरनाक बात है।
तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि आज चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, जरूरत इस बात की है कि नौजवानों में, बच्चों में देश के प्रति मोहब्बत भरी जाए, उनको देश प्रेम सिखाया जाए, उनको ये बताया जाए कि इरफान इरफान रसूल जी भी सुनील चोपड़ा जी एक बार फिर से जुड़ गए थे। जब तक हम ये नहीं करेंगे, अगर हम एक दूसरे बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात आपने कही होगा तो उससे कोई फायदा नहीं। इलियास मलिक जी ठीक है ठीक है ठीक है और सुनील चोपड़ा जी सुनील चोपड़ा जी एक बार फिर से हमारे पास है। सुनील चोपड़ा जी सीधा सवाल, सुनील चोपड़ा जी सीधा, सुनील चोपड़ा जी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है जी, जी। हाँ सीधा सवाल, जेएनयू में जो हुआ या प्रेस क्लब में जो हुआ उसको कैसे देखते हैं, उसको कुछ आप कंडम कर रहे हैं? पहला सवाल ये, उसका जवाब मेरा ये कहना है कि जेएनयू में जो हुआ है वो नारे नहीं है, एक परिस्थिति पैदा की गई है जिसमें बच्चे उनको पहले परमिशन दी, फिर उनसे परमिशन वापस ली, एक स्थिति पैदा की, झगड़ा हुआ, एबीवीपी के लोग आके उन्होंने हमला किया। तो हमारा ये कहना है इस परिस्थिति में कोई एक आध आदमी कोई नारा दे दे वो कोई राष्ट्रीय हित या अहित का मामला नहीं है। बच्चे करते हैं और यूनिवर्सिटी को प्रॉपर इंक्वायरी करके डील करना चाहिए। जेएनयू का जो स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट है उसको किडनैप करने की कोई जरूरत नहीं थी। किडनैप करना आप इसे कह रहे हैं? किया गया अरेस्ट किया गया है और मैं इमरजेंसी में भी मैंने देखा क्या हुआ था, ये इमरजेंसी जैसी सिचुएशन जी, मैं उधर था तब स्टूडेंट नहीं। सुनील चोपड़ा जी आप मुझे एक बात बताएं, जेएनयू बहुत देश का प्रतिष्ठित संस्थान के दुनियाओं से बहुत अच्छी नजर से बहुत अच्छी तरह से जानती है देखती है, बार बार इस तरीके की गतिविधियों में स्टूडेंट शामिल होते हैं, 10 लोग मिलकर नारा लगाते हैं, नारे अगर नहीं शामिल नहीं, बार बार होता है नारा दें जी, लेकिन जो लोग गुड़से की किताबें बेचते हैं उनके बारे में आप क्या आप हैं? आप गलत चीजों की तुलना नहीं कर सकते। सुनील चोपड़ा जी, सुनील चोपड़ा जी आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है नहीं सुनील चोपड़ा जी हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं, आप बहुत अनुभवी चोपड़ा जी 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 वो है सुनील चोपड़ा जी, कॉल ड्रॉप हो गई लगता है फिर। चलिए ठीक है, इस पर बातचीत जारी रहेगी। आखिरकार ये मसला क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या इसका कोई निदान संभव है या ये घटनाएं बार बार खुद को दोहराती रहेंगी, इसी पर बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारा पैनल लगातार इस विषय पे हमारे साथ है। इस बीच हमारे साथ रमन मलिक जी जुड़ रहे हैं बीजेपी से। मलिक साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ इलियास मलिक भी हैं, साथ ही यासिर जिलानी जी हैं, इरफान रसूल हमारे साथ हैं और यूसुफ अंसारी भी लगातार इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बातचीत हो रही थी कि आखिरकार क्या इस पर विजन है। सुनीत चोपड़ा साहब जो सीपीएम के बहुत वरिष्ठ लीडर हैं हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है किडनैप हुआ है, ये चीजें साजिश की तरह लग रही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि राष्ट्र विरोधी है। चीजें जिस रफ्तार से और जिस तरीके की परिस्थितियों में होती है उसी के अनुसार रिएक्शन और एक्शन दोनों होता है, ये उनका अपना नजरिया था इस मसले को देखने का। यासिर जिलानी जी हमारे साथ हैं, रमन मलिक जी इस बीच हमारे साथ जुड़े। रमन मलिक, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। जेएनयू में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, पहले भी कई मर्तबा हुई है लेकिन इस बार ये बहुत अलग अंदाज था। अफजल गुरु या भटकल की तारीफ में इस तरीके के नारे लगना, कश्मीर की आजादी की मांग करना, महज 10 के करीब स्टूडेंट वहां आते हैं और नारेबाजी शुरू हो जाती है, उसके बाद कार्रवाई भी होती है, धरपकड़ होती है। दूसरी पार्टीज कह रही है कि आप लोग इसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। हम इसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन देश का जनमानस जाग गया है और उसको ये बदतमीजी जो है, जो उसके टैक्स के पैसे से वहां बैठ के आप 11-11 रुपए में जिंदगी बसर करते हैं, फ्री की खाते हैं और देश के मुंह पे थूकते हैं, ऐसे लोगों को चमात मारने के लिए देश तत्पर है। देश के अंदर संविधान है, आप उस संविधान के की धारा 19 का पार्ट एक को चिल्लाते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन धारा वही संविधान की धारा 19-2 को कभी आप नहीं बोलते कि उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं। आप जो बातें कर रहे हैं, आप ये समझें कि 1993 में या उसके आसपास जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, तब भी इसी जेएनयू के अंदर कश्मीर से आए हुए लोगों ने, जब कश्मीर के अंदर पंडितों को मारा जा रहा था, तब यहां से मनी रैकेट चल रहा था। तो क्या हमने ये जो जेएनयू जैसी प्रतिष्ठित संस्थानें हैं ये इसलिए खोल रखी हैं कि आप एक एंटी नेशनल एलिमेंट पैदा करें? क्या ये करना उचित है कि जब दंतेवाड़ा और उधर मरते हैं हमारे सैनिक तो आप यहाँ पटाखे बजाएं और पार्टियां करें? या ये आपके लिए है कि आप यहाँ पे आके कि आप यहाँ पे पढ़ें, उसकी बजाय आप यहाँ आके एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने में तत्पर रहते हैं और यहाँ पे आके आप ये बोलते हैं कि एक अफजल को मारोगे 1000 पैदा होंगे? तो कई राइट वाले लोग या कई नेशनलिस्ट लोग ये भी बोलेंगे तुम 1000 पैदा करो, हम लाख मारेंगे। अगर कोई एंटी नेशनल होगा, चाहे वो अफजल हो चाहे वो रमन हो, लेकिन अगर कोई एंटी नेशनल होगा उसको बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, ना करेंगे ना होने देंगे। रमन मलिक जी, आपको नहीं लगता इस मामले में फिर यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन के यूनिवर्सिटी थोड़ी है, ये यूनिवर्सिटी थोड़ी होना चाहिए? ये तो माओवादियों का अड्डा बना के रख दिया हुआ है इन लोगों ने पिछले इतने सालों से। जो काम कांग्रेस ने करा कि जी इस टाइम के इस इन लोगों के लिए कुछ मत बोलिए, ये अपनी चरमपंथियां चलाते रहेंगे। एक जगह यहां करे गड़बड़, दूसरी जगह मुस्लिम्स की अपीजमेंट करके उनको बढ़ने नहीं दिया, उनकी सारी की सारी अपलिफ्टमेंट जो है वो सारी खराब कर दी और वहां पे डिवाइड एंड रूल करके अपना उल्लू साधते रहे और देश को लूटते रहे। अगर इस प्रकार की जो मानसिकता के साथ 60 साल हिंदुस्तान ने बर्दाश्त करे तो ये जो है ये उसी का रिजल्ट है। ठीक है, लेकिन ठीक है अब देश रमन मलिक जी, तो क्या सिर्फ एक कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी काफी होगी इस तरीके की चीजों पे विराम लगाने के लिए? नहीं, 1000 कन्हैया है यहाँ और सब हजारों को आइडेंटिफाई करा जाएगा। नहीं, आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी जो है वो इस तरीके की गतिविधियों का गढ़ है आपकी नजर में? देखिए, आप वहाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे? जो मेजॉरिटी है उसको इस तरीके से डेवलप करा गया है कि ये चरमपंथी काम करें। चाहे आप यहां देखिए, आप किसी भी कम्युनिस्ट गाइडेड इंस्टीट्यूट को देखेंगे, उसके अंदर एंटी इक्विटी जो सेंटिमेंट होता है वो इतना पैदा करा जाता है। और आप कम्युनिस्टों की बात करें तो कम्युनिस्ट ऐसे लोग हैं जो अपने कॉमरेड्स को भी मार के फेंक देते हैं और ये हमने केरल में देखा है। कोई नई बात नहीं होगी इसमें। रमन मलिक साहब, सवाल यह है कि आपकी सरकार है और इस बात की आशंका थी अगर, तो आपकी खुफिया, आपकी इंटेलिजेंस, जो सवाल मैंने आपके आने से पहले किया था, तो क्या इन चीजों को, इन गतिविधियों को रोका नहीं जा सकता वक्त रहते? क्योंकि अब तो ये हो चुका और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की ये तस्वीर देखी,
लेकिन इरफान रसूल साहब, इरफान रसूल साहब, आप जो ये इतना लंबा प्रचार कर रहे हैं ना, उसको कट शॉर्ट करिए और मैं आपका जवाब देता हूँ। समझ गया, मैं समझ गया। लेकिन आप आज की डेट में मेरे को ये बताइए कि एक पढ़ा लिखा तबका माना जाता है जिसे बोलते हैं जर्नलिस्ट, आज प्रेस क्लब में जो हुआ कि बच्चे की पार्टी या अपनी बर्थडे पार्टी के नाम पे बुक करके उसके वहां पे ये तमाशे करे गए, क्या आपको वो लगता है कि वो आईबी का रोल क्या कर लेगी आईबी उसमें, जब आप चाहते ही यही हैं। इस बात का इशारा हो जाता है कौन सा प्रोग्राम करेंगे आप यहाँ। आईबी को तो किसी और काम पे लगाया हुआ ना पीएम ने, आपको बहुत ज्यादा पता है। नहीं, आईबीओ किस काम पे लगाया गया, वो एक पीएम आज बोलते हैं कि जी देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, जो पीएम लाल किले से खड़े होके ये बोल सकता है कि देश के ऊपर पहला अधिकार एक संप्रदाय विशेष का है, वो बोल रहा है दूसरे पीएम को झूठ बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच इंटरनेट पे पड़ी हुई है, PIB.com पे पड़ी हुई है, PMO उन्होंने बात नहीं बोला था, किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं बोला। द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, पता नहीं क्या बीजेपी वालों के साथ रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, रमन मलिक साहब, इट वाज स्टेटेड बाय द, उन्होंने बोला था कि फर्स्ट राइट ऑफ ऑन द रिसोर्सेज। How can you have Prime Minister say उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था जो डिप्रेस क्लास है उनके राइट है, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ जेएनयू में हुआ उसको कंडम तो सब कर रहे हैं, कांग्रेस खुद सब गुफा है, सब कंडम कर रहे हैं, सब उसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी है, चूंकि आपने कहा जेएनयू का इतिहास रहा है और वामपंथियों का गढ़ रहा है, तो क्या पहले कदम नहीं उठाया जा सकता था? देखिए, एक यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी की तरह चलने देना चाहिए, उसकी स्वायत्तता रहने चाहिए, लेकिन अब जिस प्रकार से पिछले 4 महीने के अंदर अलग अलग प्रकरण हुए हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या कहीं और हो, उन सारों ने एक ही चीज उजागर करी है कि ये बड़ा प्लॉय है। आपको आज मैं एक और चीज बताता हूं, और ये चीज आपके लिए भी शायद होगी, हाफिज सईद ने इस जेएनयू की मूवमेंट की सपोर्ट के लिए ट्वीट करा। आप सुनिए बात, आप बात सुनिए, इरफान रसूल साहब बीच में सीधा जवाब दे रहा हूं, इरफान रसूल साहब सीधा जवाब दे रहा हूं, हाफिज सईद ने ट्वीट करा, विद इन 5 मिनट उसने हटा दिया, लेकिन लोगों ने उसको कैप्चर करा और दिल्ली पुलिस ने भी उसके ऊपर लिया है कॉग्निजेंस। और इस प्रकार का अगर ये पूरा एटमॉस्फेयर बिल्ड करा जा रहा है, कल गिलानी ने ये बोला कि जी हम सपोर्ट करते हैं और वैली में बुरे रिप्रकशन होंगे, तो ये क्या दर्शाता है कि ये स्पॉन्सर्ड इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है। एक एडिशनल क्वेश्चन आपने खड़ा कर दिया, हाफिज सईद की बात क्या वामपंथी भी मानते हैं? आपने कहा वामपंथियों गढ़ रहा है, पहले से हरकत होती रही है। देखिए, वामपंथियों का गढ़ भी रहा है, और साथ में अगर आपको मैंने जैसे बताया 92 या 93 के अंदर जिस समय हर्षद मेहता का स्कैम हुआ है, उस समय यहाँ पे कुछ कश्मीरी सेपरेटिस्ट या उनके समर्थक लोग थे और उन्होंने यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम करा है, और वहीं से पहला तार खुला था हर्षद मेहता स्कैम का। आप प्लीज उसको पढ़िए, रमन मलिक साहब, हम अपनी दीवारें मजबूत करें, अपनी सरहद मजबूत करें। देखिए, चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने काम करना है, उन्होंने काम करते रहना और पूरे 130 करोड़ लोगों को देखना है। आप क्या चाहते हैं? मतलब ये ठीक है, कहीं पे आनाकानी कहीं पे चूक रहेगी, लेकिन सिक्योरिटी लैब्स है, ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, मान लिया आपने। आप हर जगह क्या आप स्टूडेंट्स के बीच में भी बैठ के करेंगे, जिनको पढ़ने के लिए बच्चों को भेजा था, अगर आप उनको बच्चे ना मान के उनको सिर्फ आतंकी और गुंडे मान ले, तो फिर शायद बाकी जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनके साथ बहुत बेइंसाफी होगी। यूसुफ साहब, सवाल ये, रमन मलिक साहब ने मान लिया सिक्योरिटी लैब्स है, ये चूक हो गई, सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, चूक हो गई, खुफिया जानकारी में कोताही का मामला जरूर बनता है। लेकिन बात ये है कि देखिए, देश विरोधी नारे कहीं भी लगें वो अच्छी बात नहीं है, और जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ
कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई जो भी होगी वो कानून के तहत होगी। अब जो कन्हैया को गिरफ्तार किया गया है, जो स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हैं, या उसके बहाने पूरी यूनिवर्सिटी को किसी का वामपंथी का गढ़ या देशद्रोह का गढ़ कह देना, ये एकदम बहुत ही गैरवाजिब बात है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके चक्कर में पूरी यूनिवर्सिटी को बदनाम। कौन दोषी है ये तो तय अदालत करेगी ना, कौन दोषी अदालत। अब सवाल ये है ना कि अदालत अदालत तक तो जाने दीजिए ना, या तो यासिर भाई बैठ कर सबको आतंकवादी बता रहे। आज अदालत ने ही पटियाला कोर्ट हाउस में जब कन्हैया पहुंचा तो वहां सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जज साहब ने कि आप नहीं आया ना, कौन सी आजादी चाह रहे हो। देखिए मैं मलिक साहब की बातों से बिल्कुल मैं उनकी बातों में किसी को दोषी दे रहा हूं, किसी को दोषी रहा हूं। आपने कही ना मुसलमानों की बात, हमेशा कांग्रेस ने 65 साल से मुसलमानों का अपीजमेंट करके उसको बेवकूफ बनाया। नहीं हमारा मुद्दा, फिर मैं एकदम सेंट्रल हूँ, सेंट्रलाइज करके देश हित का है बिल्कुल। तो आप देखिए 10 लड़के पहुंचते हैं और 10 लड़के पहुंच के आपके जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, आप किस समाज की बात कहां जा रहे हो, ये सोसाइटी लेके कहां जा रहे हैं हम लोग, जहां पे 10 लड़के हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे। क्या आप इसको समर्थन करते हैं? क्या आप अभी भी ये बोलेंगे कि भारत को सीपीआई के लीडर वो कहने लगे कि हम अभी देख रहे हैं, हम समझेंगे किडनैप कर लिया, दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया कन्हैया को, और इस तरह की बातें हमारे यहाँ के, तो हम फिर उन्हें क्या चरमपंथी और आतंकी कह रहे हैं, तो गलत कह रहे हैं। मैं एक कॉमेंट जो है यचूरी साहब का वो आपको पढ़ के बताऊंगा। किसका? यचूरी सीताराम यचूरी जी। और शायद वामपंथियों में उनसे बड़ा आज पदवी कोई नहीं रखता। वो ये कहते हैं व्हाट हैपेंड इन जेएनयू, पुलिस ऑन कैंपस अरेस्ट एंड पिकअप स्टूडेंट फ्रॉम हॉस्टल, दिस हैज लास्ट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर आज सीताराम यचूरी हैज द ऑडेसिटी, एंड आई एम प्लीज मार्क माय वर्ड, हैज द ऑडेसिटी कि वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करें कि इसको इमरजेंसी से तुलना करें, तो शायद या तो उनका मानसिक संतुलन खो चुका है और या वो सिर्फ भड़काना चाहते हैं और आग लगाना चाहते हैं। रमन मलिक और ऐसी ये जो आइडियोलॉजी है, ये इसका जेएनयू का जो आज प्रकरण हुआ है, ये उसका बीज है। रमन मलिक साहब अभी सुनील चोपड़ा जी हमारे साथ थे फोन लाइन पर, उन्होंने कहा किडनैपिंग हुई है स्टूडेंट लीडर की, जो अध्यक्ष है जेएनयू का यूनियन का, उसकी किडनैपिंग। अगर पुलिस के समन आते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं और एक न्यायिक प्रक्रिया में जाते हैं और उसको सुनील चोपड़ा जी बोलते हैं कि किडनैपिंग हुई है, तो वो शायद उनकी उम्र का तकाजा है, उनका सीनियर है, उनका उम्र का तकाजा है, थोड़ा सा वो बोलते हैं बुजुर्गों को माफ कर देना चाहिए कि हमारी गलती से मुंह से निकल जाता है। नहीं अभी दोबारा फोन लाइन पर वो आएंगे तो जवाब इसका लेंगे। बिल्कुल इलियास मलिक साहब, आप कैसे देखते हैं सवाल ये कि जाहिर बात है कि देश हित में, नेशनल इंटरेस्ट में और देश के विरोध में कोई नारेबाजी होती है तो उसको तो कोई भी अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन अलग अलग यहाँ पे स्टेटमेंट है, कम्युनिस्ट वर्सेस बीजेपी लग रहा है बिल्कुल। ये नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं जी, देखिए देश के विरोध में कोई भी नारा लगना बिल्कुल टोटली गलत है, बिल्कुल कंडम होना चाहिए इस बात को, और जो भी आदमी कसूरवार हो उसको सजा मिलनी चाहिए, इसलिए कि जैसे मैंने पहले भी कहा, देश सबसे ऊपर है, यहाँ रहने वाले सब जो हैं, जब देश रहेगा तो हम रहेंगे। अब ये बात कि यहाँ जो अभी गुफ्तगु हुई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको फिर मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टियों में ना बांटिए, कभी कांग्रेस का जिक्र होता है, कभी किसी का जिक्र होता है, कभी अपीजमेंट की बात आ रही है। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, अगर अपीजमेंट होता तो सचर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो आईना दिखा दिया उसने अपीजमेंट का, कि अपीजमेंट किसको कहते हैं, अपीजमेंट जिसका होता है वो उसका हाल सचर कमेटी की रिपोर्ट जैसा नहीं, 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 तो नहीं, लेकिन कुछ नहीं, लेकिन लेकिन मेरा लेकिन बात ये नहीं, बातों को कंडम किया जाना चाहिए और जो गलत है उसको गलत। अच्छा इरफान साहब, जेएनयू की बात बताता हूँ, एक और जेएनयू की बात बताता हूं, और ये उस समय की बात है जिस समय कारगिल की का युद्ध चल रहा था। तीन लोग
सिविलियन ड्रेस में गए, आर्मी के थे, वो जेएनयू में जाते हैं, भाषण हो रहा है, उसके बीच में जब एंटी इंडिया बात होती है और वो उसके लिए उठ के अपना विरोध दर्ज करते हैं तो उनको पीटा जाता है। आप चाहें तो इसका रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। तो ये जो है, अगर आप इसको चरम पंथ और वामपंथ का बनाया हुआ चरम पंथ या टेररिज्म नहीं बोलोगे तो आप इसको क्या बोलोगे? और उस समय भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जो स्पीकर मोहतमना थी वो पाकिस्तान से आई हुई एक लेडी थी। तो मैं सिर्फ आपको इतनी सी चीज बता रहा हूं कि आज जिस तरीके से इसको डेवलप करा जाता है वो एक डायरेक्ट जिसे कहना चाहिए एक डायरेक्ट इफेक्ट है जो क्रिएट हुआ सलमान खुर्शीद साहब, मनी शंकर अय्यर जैसे लोगों का जाना और वहां पे बोलना कि हमको बचाओ। ये उस तरीके की जो प्लीडिंग थी, उस तरीके की जो सपोर्ट थी, उसको यहां पे लाके, यहां पे इनस्टेबलाइज करके उसको डेवलप करना, यही इस इन तरीकों की चीजों का मतलब है। और पिछले 6 महीने से ये सारा कुछ उसी प्रकार हो रहा है। मलिक साहब, सवाल ये, जब इतिहास आपको पता है, ये सब कुछ पहले हो चुका है, 2 साल हो रहे हैं आपकी सरकार को, आपने कोई स्टेप ऐसा नहीं लिया, और आइंदा क्या स्टेप लेते हैं तो लोग आपकी सरकार है तो मतलब ही लोग आते हैं, क्या मतलब है आप स्टेप लेंगे लोग छाती पीटेंगे, ये क्या मतलब? कांग्रेस के टुकड़ों पे बोलते रहे, फिर सवाल नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। आप कंट्रोल कीजिए और आइंदा क्या कुछ भी बोलेंगे देश को चैनल वन के माध्यम से बताइए कि ऐसा नहीं होगा। सरकार इस प्रकरण को देख के, सरकार का एक बहुत दृढ़ निर्णय है, कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी किसी इंस्टीट्यूशन से ना करने देंगे और अगर कोई करेगा तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। कोई भी व्यक्ति, वो टाइम गया जब यासीन मलिक और अरुंधति रॉय आके देश को गाली दे सकते थे, अगर वो भी देंगे अब तो उनके लिए भी बहुत बुरा होने वाला है। आपकी सरकार में नारे लग गए साहब, आपकी सरकार में नारे लग गए, ह्यूमन राइट आपके पास है लेकिन नेशनल सॉवरेनिटी का राइट सरकार के पास है और वो उसकी ड्यूटी है। मलिक साहब, आपने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो एंटी नेशनल काम करेगा, जो एंटी नेशनल काम करेगा, तो अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ नारे लगाने जो है गलत है, बिल्कुल हम भी मानते हैं गलत है, तो क्या गांधी के हत्यारा गोडसे के तरफदारी करना सही है? तरफदारी करने क्या एक्शन लिया? देखिए मंदिर बनाने की बात हो रही है गोडसे के, आपने क्या एक्शन लिया? आप देखिए स्वाधीन देश बनाया जा रहा है, महात्मा गांधी की हत्या के दिन क्या एक्शन लिया आपकी सरकार ने? आप बन गया मंदिर, नहीं कोशिश तो हो रही है, हैरान हो रहा है, क्या 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 आपकी बात मुद्दा क्या है? मुद्दा देश है, मुद्दा देश है, हमारा मुद्दा क्या है? माइनॉरिटी सबसे ऊपर है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देश की बात की जा रही है कि हद है आप लोग, मुद्दा क्या है आज पे बात हो रही है, की बात कीजिए, प्रेस क्लब आपकी सरकार नपुंसक बनी खड़ी रहती है, नपुंसक बनी खड़ी रहती है, जब आपकी पार्टी के साधु संत जब साधु संत बोलते हैं देश में दंगे लगाते हैं, कौन से एक्शन लेते हैं आपकी सरकार? हमारी एक्शन जो लेना होता है हमारा लिया जाता है, देखते रहे क्या लिया जाता है, प्रदर्शन के छात्रों ने क्या लाठियां तोड़ी आपकी सरकार ने, करंट इशू जो करंट इशू में रमन 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 आप कीजिएगा करंट इशू सर, अगर आप चाहेंगे तो यहां से रमन रमन सब बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, एक जैसे एक्शन पर एक जैसी हर आप पैरेंटी की शादी में क्यों नहीं होती है, आपकी आंटी सरकार की नहीं है, नहीं सवाल बात ऐसा पे सवाल देखिए दो पैरेंटी के साथ बिल्कुल रह रहे हिंदुस्तान जो है हमारे प्रधानमंत्री रमन मलिक साहब उनका जो हुआ झूला 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 आप यकीन मानिए हरियाणा को प्रधानमंत्री की माफ बस आपको यहां के शोर में बात नहीं हो पाए, सवाल का जवाब रमन रमन
जेएनयू मुद्दा है, कल जो हुआ प्रेस क्लब जेएनयू में जो हुआ देश है, देश के संविधान का सवाल है, देश के संविधान साल पुरानी बातें कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज की बात की बात होनी चाहिए, जो मैं आज की बात करता हूँ। आज तक जो ठेकेदार बने हुए थे माइनॉरिटीज के, आपकी सुई घूम फिर के मुसलमान नहीं आ रहा, हर व्यक्ति जो भारत में हिंदुस्तानी है सवाल सवाल यह है कि आपने कहा चूक हुई और जब ऐसा इतिहास था तो कदम उठाए जा सकते थे, अगला क्या कदम उठाएंगे कि आइंदा ऐसा न हो? सीधा जवाब रमन मलिक दीजिए, आप सबका नाम लेना शुरू कर देते हैं। सरकार बहुत विजिलेंट है, बयान हो गया, कहां जुमला हो गया, बयान हो गया, ये जुमला तो आप लोगों का है, जुमला तो आपका है, जुमला आप रखिए अपने पास। सरकार इज विजिलेंट, वो देख रही है चीजों के ऊपर, नजर बनाए रखी है, जहां जरूरत पड़ेगी, जैसी जरूरत पड़ेगी, संविधान और न्याय के अनुसार हर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन किसी को देश की अजमत के साथ खेलने के लिए ये नहीं छोड़ा जाएगा कि उसके पास ह्यूमन राइट है, उसके पास देश की रिस्पेक्ट करना पहला राइट है उसका, और ड्यूटी भी रमन मलिक बीजेपी लीडर इस बात का वादा कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि चूक हो गई कहीं ना कहीं, तो देश के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी हुई। देखिए अगर आज यहाँ बैठ के मैं माफी चाहूंगा और मैं बोलूं कि मैं रमन मलिक ना होते, कोई भी एबीसी व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे बैठे हुए मैं देश के खिलाफ नारे अगर लगा देता हूँ तो क्या आप जिम्मेदार होंगे? नहीं, आपको रोका जाएगा, फौरन रोका जाएगा ना, लेकिन तब तक मैं नारे लगा चुका हूँ, कुल मिलाकर इलियास मलिक, यासिर जिलानी और रमन मलिक जिस तरीके से कह रहे हैं, मुद्दा जो है वो देश का है, देश का मसला जहां भी होगा वो प्रायोरिटी होगी, बाकी सभी चीजें गौण होंगी। जरूरत इस बात की कि किसी भी इस तरीके के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन में जो शिक्षण संस्थान है, इस तरीके की गतिविधियों का केंद्र वो ना बन पाए, ऐसी चीजें वहां ना हो पाए, अगर हो गई हैं तो कम से कम वो दोहराई ना जाए। इसके लिए सरकार, इंस्टीट्यूशंस और आप, हम सभी की एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जरूरत है इस जिम्मेदारी को समझने की, इसका निर्वाह करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान, हमसे जुड़े, चर्चा में बड़ी शिद्दत से हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज लाइन में फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।